बन रही है बड़ी मज़ेदार सी, तीन रेसिपीज हमेशा की तरह तीन रेसिपीज बन रही है और बहुत ही मज़ेदार सी। एक हम बना रहे हैं चिकन जिंजर, ठीक है, चिकन जिंजर कढ़ाई। तो यहाँ पर जो मैंने बनाना है चिकन बहुत मज़ेदार सी चिकन जिंजर कढ़ाई है, उसके लिए क्या है कि ये देखिए मैंने यहाँ पर ये मेरे पास है तिल है, खशखश है, साबुत धनिया है, ज़ीरा है और इनको मैंने हल्का सा भून लिया। भून के ये मैं पीस के पाउडर फॉर्म में कर लूँगी, पहले से इसलिए बता रही हूँ कि ज़रा सा ठंडा हो जाए, वरना जो मशीन के अंदर हम पीसते हैं तो वो एयर टाइट हो जाती है गरम गरम की। थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें, तीन रेसिपीज बनानी है तो थोड़ा सा टाइम को भी मैनेज करना पड़ता है। तो बस अब आते हैं हम मज़ेदार सी अपनी चिकन जिंजर की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स पहले नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए चिकन बोनलेस आधा किलो, प्याज पिसी हुई 2 अदद, हरी मिर्चें तकरीबन 6 अदद, कड़ी पत्ते चंद, ऑयल शाताज कुकिंग ऑयल 1 कप लेंगे, इमली का रस आधा कप लेंगे, हल्दी 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, खसखस 1 खाने का चम्मच, अदरक बारीक कटी हुई 2 खाने के चम्मच, सफ़ेद तिल 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा तकरीबन 1 चाय का चम्मच या आधा खाने का चम्मच, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या किया है कि यहाँ पर ये मसालों को भून लिया है, तो ये मैं बता देती हूँ, भून के मैंने इसको पाउडर फॉर्म में कर लिया। खशखश है, इसके साथ तिल है, ज़ीरा है, साबुत धनिया, इसको हल्का सा मैंने तवे पे भूना, भून के इसको पीस लिया, ठीक है, पीस के रख लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जाएगा शाताज कुकिंग ऑयल, ठीक है, उसके अंदर जाएगी प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन आधा कप के जितना शाताज कुकिंग ऑयल। और यही मैं कहूँगी कि जिस तरह से घर में होता है ना, खाना कोई नहीं खा रहा होता, लेकिन जब उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार सा होता है तो फिर कहते हैं ज़रा सा और, ज़रा सा और। तो इसी तरह से मैं भी कहती हूँ कि मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए, शाताज ज़रा सा और, ठीक है। अच्छा, प्याज पीस लिए, बाकी ये कि दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ हम किस तरह से इसमें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें भी चाहिए हमें, कड़ी पत्ते चाहिए, और बड़े मज़े का इमली का रस भी होगा, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा ये मिक्स कॉम्बिनेशन है इसका, आखिर में अदरक इसमें जाएगी। तो ये मेरे पास है प्याज, इसमें जा रही है शाताज कुकिंग ऑयल के अंदर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको यही मसाले दिखा देती हूँ ताकि यहाँ पे आराम से आप देख सकोगे। हरी मिर्चें चॉप की हुई, इसके साथ ये कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जाएगा नमक, नमक के साथ इसमें जाएगी हल्दी, हल्दी के साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट, यहाँ पर ये आपके सामने जो भुना पूरा मसाला है ये जाएगा, और ये कड़ी पत्ते, ठीक है, 4-6 आपने कड़ी पत्ते ले लिए। बस जैसे ही इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होता है हम इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर ये मसाले और इसकी भुनाई करेंगे, फिर चिकन चला जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, ये चीज़ें करती हूँ साइड पर, ये यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, प्याज का इंतज़ार करते हैं, जैसे ही प्याज हमारा ब्राउन तो होगा नहीं, ज़ाहिर है वो पिसा हुआ है, बस प्याज का पानी खुश्क होता है, वापस आते हैं आपके सामने मसाले डालेंगे, और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सा चिकन जिंजर मसाला बन रहा है, जिसके लिए क्या है कि मैंने आपके सामने प्याज को शाताज कुकिंग ऑयल के अंदर डाला, डाल के उसका पानी जब ड्राई हो गया तब मैंने कहा मसाले तो आपके सामने डालने, तो मैंने चिकन उसमें डाल दिया, जो बोनलेस चिकन था आधा किलो डाल के थोड़ा सा कवर कर दिया कि ताकि थोड़ा सा वो गल ही जाए, ठीक है। अब इसके अंदर जाएंगे मसाले, अभी डाला ज़्यादा देर नहीं हुई है। अच्छा, इसके अंदर जाएंगे ये मसाले, ठीक है, अभी आपके सामने मैंने सब मिक्स किया था, कुटी हुई मिर्च, कड़ी पत्ते, हरी मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन, ठीक है, और ये इसको थोड़ा सा इस तरह से कड़ी पत्ते के साथ भूनेंगे। इमली का रस अब भी नहीं डलेगा, बिल्कुल आखिर में डालेंगे। अच्छा, ये जो मसाले ये मैं आपको बता देती हूँ, खशखश है, तिल है, इसके साथ इसके अंदर मैंने ले लिया ज़ीरा और तल और साबुत वाला धनिया, ठीक है, तिल, ज़ीरा, खशखश और इसके साथ साबुत धनिया और कड़ी पत्ते, ये देखें ये मसाला इसके साथ मैंने थोड़ा सा इसकी भुनाई करते हैं यहाँ पर,
अच्छा यहाँ पर चिकन के अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी, फिर इमली का रस जाएगा, थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा ये गल जाए, अभी गला नहीं है, बस आधा कप के जितना, ठीक है। बस जैसे ही गल जाएगा इमली का रस जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी, हरा धनिया, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पर इस तरह से ढक के रखती हूँ, इसी चूल्हे पे रखूँगी, स्लो फ्लेम पे, ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं ताकि ये आराम से हल्की आग पे पकता रहे। ये देखें, इसको ढक के रख देते, रस भी चला जाएगा ताकि ये अच्छी तरह से पकता रहे। ये देख लीजिएगा, अब इसमें जाएगा इमली का पल्प, ठीक है, ये इमली का रस चला जाएगा इसके अंदर, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल देते हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें, वैसे ये रेडी हो चुका, गल चुका है, और इसके अंदर जाएगी हरी मिर्च, ये देखिए चलेगी, ये हरी मिर्च चलेगी इसके अंदर, बस 5 मिनट इसको दम पे रखेंगे, इसके बाद इसका चूल्हा बंद हो जाएगा। तो ये भी रेडी हो गया, साथ में यहाँ पर सीज़लर को भी तैयार ही करते हैं, ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा मसाला, खट्टा खट्टा सा इमली के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर बस ये भी तकरीबन 5 मिनट इसको दम पे रख रही हूँ।